নামি ব্র্যান্ডের নাম করে বিগত পাঁচ বছর ধরে স্টিল সামগ্রী তৈরি করে মালদা সহ উত্তর পূর্ব ভারতে ফাঁদ পেতেছিলেন মালদার এক ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ। নামি ব্র্যান্ডের নকল সামগ্রী তৈরির কারখানার পর্দা ফাঁস করলেন আসল ব্র্যান্ডের ম্যানেজার ও সহকর্মীরা। বাজারে তাদের সামগ্রী বিক্রি কমে যাওয়ায় তারা তদন্ত শুরু করেন, তখনই তারা নকল কারখানার সন্ধান পান। कि हमारा प्रोडक्ट का फर्जी लोगो हमारा लगा के कौन बेच रहा है मार्केट में। हमें अपने बिजनेस टीम से ये सूचना मिली थी कि हम महेश्वरी स्टील्स जिंदल का फर्जी लोगो लगा के बाज़ार में सामान बेच रहा है सस्ते दाम पे। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे फिर आए, लोकल थाने में अपना कंप्लेंट हम लोग दिया, जिसके कंप्लेंट के बेसिस पे वहाँ से SHO साहब ने एक टीम भेजा और हम लोगों ने यहाँ पे पाया है कि जिंदल मार्क का लोगो लगा हुआ स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट पे लगा के बेचा जा रहा है। शॉप है जिसको ये लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा पे सामान पाया गया है और सब में ही JSL का लोगो लगा हुआ है और जिंदल मार्क भी लगा हुआ है और काफ़ी मात्रा में पाइप में भी JSL लोगो और जिंदल का लोगो लगा हुआ माल मिला है। प्राइस तो हम लोग बहुत ज़्यादा हुए क्योंकि हमें भी नहीं इतना बिलीव था कि यहाँ पे इतना हैवी क्वान्टिटी में प्रोडक्ट्स मिलेगा। N104 और कॉपीराइट एक्ट 63 और 64 के अंदर इस FIR रजिस्टर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। एक बार जब हो जाता है तो फिर सीजर हो जाएगा सारे प्रोडक्ट्स का। आपका भावना में कोई था ऐसी फैक्ट्री चल सकती है यहाँ पर ऐसी आपका कंपनी का नाम देख के कोई फैक्ट्री चला रहा है ऐसी भावना में था कभी? हम लोग को हमेशा ही मिलते रहता है बिजनेस इंटेलिजेंस और जिसके बेसिस पे हम लोग रेगुलरली रेड कंडक्ट करते ही रहते हैं, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर अस। और जैसे ही हमें सूचना मिली थी तो हम यहाँ पे आके देखे तो हमें हेवी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मिला है। जैसे फैक्ट्री चल रही थी जैसे यहाँ पर क्वांटिटी पे वैसे भी आपकी सोच में भी था ऐसी फैक्ट्री चल रहा है इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। बड़ा सेटअप तो हम लोग भी नहीं इमेजिन किए थे कि होगा, तो वो देख के थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइज एलिमेंट है। आपका नाम? मेरा नाम अखंड कीर्ति है, मैं जिंदल स्टेनलेस में मैनेजर लीगल के पोस्ट पे काम करता हूँ। বিষয়টি তারা মালদা জেলা পুলিশ সুপারকে জানান। পুলিশ সুপার ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রায় 5 কোটি টাকার বেশি নকল সামগ্রী উদ্ধার করে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি চীন থেকে স্টিল কিনে তার মধ্যে নামি ব্র্যান্ডের লোগো ব্যবহার করে বিক্রি করতেন রিতেশ চিতলাঙ্গিয়া নামে এক ব্যবসায়ী। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, যদিও ওই ব্যবসায়ী বিষয়টি এড়িয়ে যান। আপনি কি পারেন কোন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির লোগো ইউজ করতে? আমি JSL লোগো তো না, আমি জিন্দাল নাম ইউজ করেছি, কারণ আমি জিন্দাল থেকে কিছু র ম্যাটেরিয়াল কিনি, বলিউড উপরে মাল বানিয়েছি আমি। না, এই কোম্পানি কি বানাতে পারেন আপনি? হ্যাঁ, কোনো একটা কোম্পানির নাম ব্যবহার করে আপনি আমি সেটাকে কথা বলিনি, সেটাকে বানাতে পারেন? আমি নিশ্চয়ই আপনার সাথে কথা বলবো। সেই রাইট কি আপনার আছে? স্যার, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো। আগে আমি যারা এসেছেন ওদের সাথে কথা বলিনি। আপনার নাম বলুন। আমার নাম রিতেশ কি? রিতেশ চিতলাঙ্গিয়া। মালদা থেকে দেবু সিং এর রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।